नमस्कार दोस्तों, आज 30 मार्च 2022 दिन बुधवार। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला, जान लेंगे आज का भाई साहब सन्नी भाई की दुकान पे क्या क्या माल आया इनकी दुकान पे, जानते हैं क्योंकि वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। जान लेंगे आज क्या क्या माल बेचा है भाई ने। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज क्या क्या माल आया जी? राणा जी अपने माल आया बॉम्बे वाली शिमला। कौन सी गाड़ी है ये? बिक गई। अच्छा बिकली वो? हाँ वो बिक गई रात। हाँ जी, बॉम्बे वाली का क्या रेट रहा जी? बॉम्बे का बाजार रहा वही 50-55। 50-55 रुपए किलो जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा और ये कहाँ वाली है जी? ये शिवपुरी है जी। हाँ जी, शिवपुरी का बाजार चलेगा आज 20 रुपए से लेकर 45 रुपए तक। 20 रुपए से लेकर 45 रुपए। 20 रुपए वाली कैसी है जी? इसमें जैसा मुझे को जब बन रही है ये, इसमें लाल निकलती है, छोटी निकलती है। अच्छा, जैसा माल निकलता है उससे बिकता जाता है। छांट के नहीं, जो बढ़िया का माल, बढ़िया का रेट है। जैसे ये वाली, इसका बताओ ना जी, इसका क्या रेट है? 20 से 45 के बीच में बिकेगी ये। अच्छा जी अच्छा। और ये कहाँ वाले माल है? ये भी शिवपुरी है। हाँ जी हाँ जी। इसका क्या? ये दोनों शिवपुरी है, ये दोनों एसी रेंज में बिकेगा 20 से लेकर 45 रुपए के। अच्छा, ये पीले डब्बे भी और ये गाड़ी भी? हाँ। अच्छा जी, और वो पन्नी वाली नहीं आ रही आजकल? पन्नी वाली आई थी अपने पास, वो जो पंजाब की, पंजाब वाली। हाँ जी, वो बिकी है 35-40। 35-40 रात में बिकी 40 की, उसके बाद जो छंटती फंटती गई 35-36। अच्छा जी अच्छा जी। और अपनी आगरा बरेली खत्म जी? वो आगरा बरेली आई हुई है, ये बिक्री 18-20 ये डब्बो में जी। हाँ जी। और वो कट्टे वाली? कट्टे वाली, कट्टे वाली आज नहीं आई है, ऐसे आती तो उसका ही बाजार यही रहता 18-20। अच्छा जी, और भिंडी का क्या चल रहा जी? भिंडी का बाजार रहा अपना आज 75 से 80 टॉप भिंडी। 75 रुपए से 80 रुपए भिंडी में आग लगी पड़ी जी। भिंडी कम है ना? अच्छा, अब की बार शायद भिंडी का बाजार ठीक रह जाए जी, टाइट रहेगा। अच्छा, करेला हो गया अपना, लोकल करेला जो है वो बिक रही है 46 रुपए से 50 रुपए। 46 से 50 रुपए लोकल करेला जी। और जो दूसरी वाली है जो पीला वाला निकल जाता है वो अहमदाबाद का डब्बो में 35-40-32 जैसा निकल जाए माल। और वो अचारी मिर्च जी? अचारी, अचारी मिर्ची के बाजार है 40 रुपए से 45 रुपए तक। अच्छा जी, और वो पीली लंबी उमेगा में लाल निकल रहा है अचारी में जी? अचारी में। अच्छा जी, ओमेगा का बाजार लोकल निकल गया है, ओमेगा का बाजार 40 रुपए से 45 रुपए लोकल वाली का, लोकल ओमेगा। और बॉम्बे वाली खत्म हो गई? बॉम्बे वाली में है ही नहीं मतलब की। अच्छा जी अच्छा, क्योंकि महंगी है वो बिकेगी। और आज का ये ड्रम स्टिक क्या रेट चल रहा है? ड्रम स्टिक बिक रहा है 26 रुपए से लेके 30 रुपए तक, अभी बच रहा है 2 नंबर, 1.5 नंबर माल है अब। अच्छा जी अच्छा। और 1 नंबर का क्या रेट? 1 नंबर का बाजार 30 रुपया। अच्छा जी, और बैंगन का जी? आज बैंगन सब बिक रहा है, ये 10 रुपए 9 रुपए रात में बिकी है। अच्छा, 12-13-14 बैंगन की ड्यूटी इनकी है भाई साहब के यहाँ पर, बैंगन ये बेचते हैं जी। अच्छा जी अच्छा, बस यही सामान आ रहा है अपने पास तो इस नहीं। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। ये दोस्तों बैंगन नहीं बेचते हैं, सारा सामान बेचते हैं। सारा सामान? सारा जी, बिल्कुल ऑलराउंडर जी। ओ महाराज, खीरे का तो बता दे, खीरा आया हो? खीरा क्या रेट गया जी? कौन सा रहा? और ये सीडलेस जी? हाँ जी, 30-32 है जी। 30-32 सीडलेस जी? हाँ जी। और जो बढ़िया लोकल वाला? लोकल वाली खीरा की गाड़ी आनी थी आज पंजाब की, लेकिन वो आ नहीं पाई, वो पानीपत बिक गई। ऐसे उसका बाजार अगर आता तो 20 रुपए का था, आनी थी गाड़ी लेकिन वो पानीपत। लोकल हाईब्रिड में जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और लोकल देसी नहीं आ रहा? देसी नहीं आ रहा अभी, रायपुर आई थी। रायपुर का बाजार रहा है 22 रुपए से 24 रुपए। ये सीडलेस का जी? सीडलेस नहीं, अच्छा बिना हाईब्रिड जी, रायपुर वाले। और सीडलेस अपने पास क्या रेट गया? 32। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। बात करते हैं आरके एंड कंपनी पे, जानते हैं राहुल भाई की दुकान पे आज का मटर का क्या कुछ रेट चला। फ्रांस भी नाती है इनके पास ड्रमस्टिक, जानते हैं पहले रामू भाई से बात कर ले इनके पास, जो सब्जियां ये बेचते हैं इनका सेक्शन अलग है सब्जियां बेचने का, वो मटर की बोली होती है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज क्या क्या माल आया? ये लच्छे वाली ड्रमस्टिक जी है? ये ड्रमस्टिक लच्छे वाली है। हाँ जी। ये अचार वाली है? अचार वाली जी। हाँ, इसकी सब्जी कम बनती है। अच्छा जी, थोड़ी सी मोटी होती है वो सब्जी में यूज किया जाता है थोड़ी सी। अच्छा जी। हाँ जी, इसका क्या बाजार चल रहा है? ये बाजार इसका डाउन चल रहा है 10-12-15। ये पहले तो तेज थी जी? पहले तेज थी, अब ऐसा है ये राजस्थान वाला, ये थोड़ा कड़वाहटपन है। अच्छा जी, इसमें कड़वापन। जो बढ़िया ड्रमस्टिक है वो 30 रुपए 35 रुपए आज भी बिक रही है सब्जी वाली जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये लच्छे वाली है जी? ये लच्छे वाली है। अच्छा जी, और क्या माल आया था जी? बैंगन आया था, बैंगन बिका है, जो हमारे पास लोकल बैंगन आया था वो बढ़िया बैंगन है। हाँ जी, 18-20 रुपए बिका है। अच्छा जी, 18-20 रुपए किलो जी। गोला बिका है 13-14। अच्छा जी। हाँ जी, और फूल गोभी नहीं आ रही? फूल गोभी आई थी 13 से 15 रुपए किलो। 13 से कहाँ की आ रही फूल गोभी अभी? ये लोकल आई थी पानीपत से। अच्छा जी, और खीरा जी? खीरा सीडलेस नहीं आया था, खीरे का बाजार महंगा हो गया, डब अब इस टाइम बढ़ गया है। अच्छा जी, 35 रुपए नवरात्र आ रहा है ना? हाँ जी, नवरात्र की वजह से
हर खीरा ये भी महंगा हो गया, 22-24 रुपए बिक रहा है। ये जो हाइब्रिड जी है, हाइब्रिड आया है जो, अच्छा जी, अच्छा। ये 22-24 रुपए किलो बिक रहा है। और पत्ता गोभी भी नहीं आ रही है? पत्ता गोभी कल आई थी, आज नहीं आई थी। अच्छा जी, अच्छा। कल 10 रुपए किलो बिका था। और क्या माल आ रहा जी अब अपने पास? बस फिलहाल अभी यही आया है। चुकंदर चुकंदर वो बंद हो ले जी अब? नहीं नहीं, अब ये इसका उठाव कम हो गया है। अच्छा जी, सलगम भी? हाँ जी, अब ये बंद हो गया, अभी हमारा नया चलेगा, खीरा उरा चलेगा। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने। लो दोस्तों, जानते हैं ये हिमाचल वाली या उत्तराखंड वाली आपको बोली दिखा दें, अपने जो विशाल भाई जी आप बोली में लगे हुए, देखते हैं। भाई इतनी स्पीड जी हो तो मशीन वाली पता ही नहीं चला अभी क्या बोल गए क्या नहीं। चलो अब ध्यान से सुनेंगे अब क्या रेट खुलेगा। कंप्यूटर की स्पीड ये गई दोस्तों 205 रुपए दड़ी, यानी 205 का मतलब हो गया 41 रुपए किलो, 41 रुपए किलो बैठी 205 रुपए दड़ी के हिसाब से। ऊपर इसके बाद इस पर खर्चा भी लगता है एक्स्ट्रा। राहुल भाई तो आ जाए नहीं। लो जी एक शॉट और देख लें, ये क्या रेट गया? कितने? 165 रुपए दड़ी। ये तो कुछ भी नहीं रहा जी, फिर तेज थी बाजार। हाँ जी विशाल भाई जी। हाँ जी राणा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या क्या रहा जी? राणा जी मटर बिक रही है 30 रुपए से 50 रुपए किलो तक, 30 से 50 रुपए किलो जी। और आज का इसका फ्रांस बीन का जी? फ्रांस बीन तो राणा जी लोकल वाली आ रही है 34 रुपए। अच्छा, खतौली वाली आ रही है जो? अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, चलो कोई कोई लाटरी होता है छोटा। अब ये बोली का सीजन चल गया जी आपका बस? हाँ जी, हाँ जी, अब ये चलेगा जी 9 महीने। अच्छा जी, अच्छा, अब तो लगातार फिर बोली में व्यस्त रहेंगे जी, जितना आराम करना था कर लिया जी, बोली सीजन चल गया जी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों जो लोकल मटर आती है वो तो आती है ज़्यादा बहुत, वो तो ऐसे ही बिकती है, छोटी बोलियों में बिकती है, जैसे मैं पहले बोली दिखाता था। ये जो होते हैं सौदे उत्तराखंड के, हिमाचल के, ये कोस्टली सौदे होते हैं, ये नहीं महंगे, क्योंकि अब लोकल मटर ख़त्म हो चुकी। और किसी किसान की एक बोरी का लाट, किसी का दो बोरी का लाट, तो ऐसे बोरियाँ आती हैं, तो ये सारे का सारा माल बोली में जाता है, जिसकी जैसी मटर आएगी उस हिसाब से वो बोली में जाएंगी। और ये जो लेने वाले भी दोस्तों हैं, ये भी सारे कोस्टली VIP बंदे हैं, क्योंकि इस रेट में यही मटर पूरी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास बाहर यहीं खरीद के मटर पहुँचाएंगे, माल पहुँचाएंगे। ये अब लोकल सीजन ख़त्म हो चुका है, मटर ये आती है। क्या रेट ली भाई तुमने? 200 ये 200 रुपये दड़ी गई। 200 का मतलब है 40 रुपये किलो, 200 रुपये दड़ी के हिसाब से। दोस्तों जैसे एक बात और बता दूं मैं, मान लो ये 200 रुपये मटर गई ना, तो ये नहीं है कि इसने 40 रुपये किलो ले ली, इसके अलावा यहाँ पर खर्चा भी लगता है इसका, थोड़ा जो भी लगता है, और इसके अलावा इसकी जो दुकान तक माल पहुँचाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का, वो भी लगेगा, दुकान का, दुकानदार का किराया भी लगेगा। और उसके बाद इसमें से मटर सूखती है, वजन घटता है, क्योंकि ये हरा सौदा है, और हरा सौदे के बाद इसमें से ऐसी मटर निकाल निकाल के गिरते हैं जिसके जो सूख जाती है। यदि वो 40 वाली 80 रुपये भी बेचेगा जाके दुकान पर, तब उसके पैसे पूरे पूरे होंगे। सब्जी का, सारी का यही हिसाब है। यदि आप ये सोचते हो कुछ बंदे वीडियो देख के जो सब्जी का काम नहीं करते, कि बाजार में महंगा बिकता है, महंगे का दोस्तों यही कारण होता है, इसमें वेस्टेज ज़्यादा जाती है, वजन घटता है और खर्चा होता है। जो रेडी पटड़ी वाले हैं वो तो थोड़ा सस्ता बेच देते हैं, और जो दुकानदार हैं उनके किराए होते हैं ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा किराए हैं, सारी जगह यही है। रेडी पटरी वालों को भी सड़क पे हफ्ता वसूली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने हिसाब से देना पड़ता होगा, तो इसलिए खर्चे पड़ जाते हैं ज़्यादा। तो बात करते हैं इंपोर्टेड वेजिटेबल की, जानते हैं चाइनीज सब्जियों का आज का क्या कुछ बाजार चला, जो स्पेशल इसके मंडी में बेचने वाले भाई साहब हैं, जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, किन किन सौदों के रेट बढ़े और घटे। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का अपडेट करो चाइनीज सब्जियों का जी, क्या क्या उठा पटक है जी आज मार्केट में? कई चीज़ों में उठा पटक है आज। अच्छा जी, आज पार्सली तेज हो गई है,
हाँ जी 80 रुपए किलो हो गई है। पार्सली कहाँ जी? पार्सली अभी इस टाइम खत्म हो गई, तेजी की वजह से जल्दी बिक गई। क्या रेट का हुआ जी उसका? 80 रुपए किलो, पहले 40 रुपए किलो बिक रही थी पार्सली, 80 रुपए हो गई जी। अभी ये कहाँ की चल रही है पार्सली? अभी लोकल चल रही है। अच्छा जी, बेसिल है, बेसिल लोकल वाली आ गई है, 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो बेसिल जी। बाहर वाली थी वो सस्ती बिक रही थी पर वो खराब हो रही थी। अच्छा, उसका क्या रेट था जी पहले? वो 150 से 170 रुपए किलो। अच्छा जी, और इसका आज का क्या रेट है जी? 250 रुपए किलो सर। 250 रुपए हो गई जी, लोकल चल गई जी। अच्छा जी, और ब्रोकली जी आज बढ़िया वाली? ब्रोकली सर ये बढ़िया वाली 60 रुपए किलो है। हाँ जी, और ये 40 रुपए किलो है। अच्छा जी, अच्छा, रेड कैबेज वही 30 रुपए किलो है अभी भी। हाँ जी, लीक सैलरी का वही भाव है, 30 रुपए किलो सैलरी और 140 रुपए किलो लीक। अच्छा जी, और ये हल्की बी ग्रेड है। हाँ जी, ये 100 रुपए किलो है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया वाली टॉप क्लास बढ़िया, वो 160 रुपए किलो। 160 रुपए होलसेल का बाजार, 140 रुपए किलो उसका। अच्छा जी, अच्छा, और हरिजुनी लोकल आ गई है बहालगढ़ की, राजस्थान बहालगढ़ की अपने, तो फिर यहाँ से 15-20 किलोमीटर है जी। जी जी बिल्कुल, अब ये राजस्थान वाली में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हाँ जी, अभी ये बहालगढ़ की चलेगी। हाँ जी, पीली भी और हरी भी। इसका क्या बाजार चला जी? हरी 40 रुपए, पीली 80 रुपए किलो। अच्छा जी, और पोक्चे ये? भी ये बहालगढ़ का ही है। हाँ जी, ये 160 रुपए किलो है। 160 रुपए किलो पोक्चे। इसका रेट बड़ा घटक वही है जी? इसका सर अभी 10-20 रुपए घट गया, वरना 200 रुपए बिक रहा है। ये क्या, इधर क्या का ढेर मार दिया ये है? आइसबर्ग सर, एक्चुअली गर्मी की वजह से ये खराब होना शुरू हो गया। हाँ जी, फटना शुरू हो गया, तो ये सारा खराब भी हो रहा है। अच्छा जी, आज बहुत बनाना पड़ गया, बहुत ज्यादा खराब। अच्छा, इसमें पत्ते उतार उतार के दे रहे जी। तो कहाँ वाला चल रहा जी आइसबर्ग? अभी आइसबर्ग लोकल ही चल रहा है अभी, ये लेकिन बंद होने वाला है, मनाली का चालू होने वाला 15 दिन के अंदर। अच्छा जी, आज का क्या रेट है जी आइसबर्ग का? 40 रुपए किलो सर। अच्छा जी, सलाद है ये, सलाद 20 रुपए किलो चल रहा है अभी भी, इसमें कोई उठा पड़ा नहीं। अच्छा जी, और अपना और क्या चीज़ है जी? बाकी बेबी कॉर्न है सर, काफ़ी तेज़ हो रखा है, बढ़िया बेबी कॉर्न 200 से 220 रुपए किलो रखा है। उसका रेट तेज़ है जी? और मीडियम क्लास का भी 150 से 160 रुपए किलो। अच्छा जी, और चेरी टमाटर जी है? चेरी टमाटर 80 रुपए किलो, इसका रेट डाउन हो गया, बीच में तेज हो गया था। ये डाउन क्यों है जी? ये कहाँ वाला चल रहा है सर? कहाँ वाला है ये? महाराष्ट्र का ही अभी। अच्छा जी, बहुत ज्यादा आ गया। हाँ जी, लेमन ग्रास 80-100 रुपए ही बिक रहा है। हाँ जी, रोजमेरी थाइम 400 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा जी, इम्पोर्टेड एस्पेराग्रास 800 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, लेमन लीफ भी 800 रुपए किलो, और थाई जिंजर 200 रुपए किलो। अच्छा जी, और वो देसी वाला एवोकाडो? देसी एवोकाडो सर 280 रुपए किलो। आज अपने पास नहीं है जी, अभी बेच के हटा हूँ 50 किलो का। अच्छा, देसी एवोकाडो क्या रेट जी? बहुत बढ़िया आया था, 280 रुपए किलो। अच्छा, और ये इम्पोर्टेड वाला? इम्पोर्टेड 700 रुपए से 850 रुपए किलो। अच्छा जी, जैसी क्वालिटी है। और एक्सप्रेग्रास जो लोकल वाला नहीं आ रहा? आ रहा है 400 रुपए किलो लोकल वाला। लोकल हम रखते नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर सस्ते सप्लायरों को चलता है। हाँ जी, क्वालिटी की वजह से। अच्छा जी, की क्वालिटी चल जाती है। तो आप ये इम्पोर्टेड वाला रखते हो? इम्पोर्टेड ही रखा था। वो कब दिखाओगे अपना स्टोर, कब दिखाओगे जी? चलिए। अच्छा जी, अच्छा, कोई बात नहीं, तो देखेंगे जी आपका जी। उसमें आज इंपोर्टेड सारा सौदा जी? सारा सर, वो क्योंकि यहाँ रखने का कोई फायदा रहता नहीं। अच्छा जी, तो मार्केट में अब कैसी डिमांड निकल रही है? मार्केट सर आज थोड़ा डाउन है। अच्छा, कल भी थोड़ा डाउन थी, परसों ठीक ठाक। परसों बाजार में मार्केट के खुला था नहीं, थोड़ा डिमांड खुली थी, थोड़ा काम था। ये तो रोज, ये तो थोड़ी थोड़ी तो रोज ही चलती रहती है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रोज चल रहा है। अच्छा, जैसे अब नवरात्रे आएंगे, इसमें कुछ बढ़ेगा जी? डाउन होगा सर, नवरात्रों में डाउन होते हैं क्योंकि एक्चुअली होटल रेस्टोरेंट वाले आइटम है। हाँ जी, होटल रेस्टोरेंट में कोई जाएगा नहीं खाने के लिए, तो कहाँ तक जाके। अच्छा, रेगुलर जो मार्केट में बेचने वाले हैं वो ले जाएंगे। अच्छा, जिन्हें शॉप पे बेचना। धन्यवाद भाई साहब, दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर जी? दुकान का एड्रेस है D1272 D383। हाँ जी, फोन नंबर है मेरा 9911-2899-61। हाँ जी, और 9911-5885-27। अच्छा जी, ये है जी आठ जी सर। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब। करते हैं महेंद्र सिंह भाई जी की दुकान पे। इनके पास ये टिंडे की पूरी गाड़ी आई, जो देसी टिंडा बोलते हैं जिनको, और इनके पास दोस्तों आज देखो नया शानदार, इसको बोलते हैं असली ओरिजिनल देसी खीरा। ये होता है देसी खीरा, हाइब्रिड भी नहीं है और सीडलेस भी नहीं है, इसको बिल्कुल प्योर देसी खीरा। इसके अंदर खीरे के सारे गुण होते हैं, जानते हैं इसका खीरे का। और आज इनके पास ये जुकनी आई हरे वाली, क्या कुछ इसका बाजार चला। सर जी नमस्कार जी, ये खीरा कहाँ से आज? ये देसी वाला जी? कानपुर से देसी खीरा आया था। अच्छा जी, और देसी खीरा आया था, हाइब्रिड खीरा आया था, कानपुर से करेला आया था। अच्छा जी, ये देसी खीरे का क्या रेट रहा जिसका? ये 35 रुपए किलो देसी खीरा जी। हाँ जी, और वो हाइब्रिड खीरा? हाइब्रिड खीरा बिका 20-22 रुपए किलो। अच्छा जी, और करेला? करेला बिका 40 रुपए किलो। ये जो कानपुर वाला ही? हाँ जी, कानपुर वाला देसी, देसी करेला होता है जिसे देसी कहते हैं, छोटे जो वो जो कुदरत का देसी करेला है वो करेला है। और आज ये का जुगनी का जी? जुगनी पीली वाली बिकी है 60-65 रुपए, हरी वाली बढ़िया जुगनी बिकी है 25-30 रुपए। अच्छा, ये तो नंबर 2 है। नंबर 2 है। अच्छा, और टिंडा बिका है 40 रुपए किलो।
40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। अच्छा 30 रुपए से लेकर और 40 रुपए तक टिंडा जी। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा ये भी चलता रहेगा जी खीरा देसी जी? हाँ देसी खीरा भी चलेगा, करेला भी चलेगा, और ककड़ी आई थी जो 40 रुपए किलो बिकी थी। ककड़ी 40 रुपए किलो? हाँ 40 रुपए और पैसे सारी की सारी। सब लोकल ककड़ी होती है और रात को बिक जाती है। कहाँ वाली आ रही है ये? हरियाणा की होती है, फरक नगर गाँव की। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद जी जानकारी देने। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। और मोबाइल नंबर? हमारे पास सेम आई थी, सेम फली। हाँ सेम फली। हाँ जी। और ये बिकी है 22 रुपए से लेके 15 रुपए किलो तक। अच्छा जी, रात को किस टाइम आ जाते हैं सारे सौदे आपकी दुकान पे? हमारी दुकान पे रात को 11 बजे आ जाते हैं। और बिकते किस समय तक है ये? रात को 2-2.5 बजे तक सब बिकते क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा मोबाइल नंबर है आजादपुर मंडी D1219 दुकान नंबर है, और मेरा मोबाइल नंबर है महेंद्र सिंह D1219। अच्छा जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 93-11-370-778। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, और सभी किसान भाई फ़ोन करके एक बारी माल भेजने से पहले फ़ोन भेजें, वीडियो भेजें अपने माल की, और उसके बाद माल का अपना खबर लें, उसके बाद माल भेजें। करते हैं रतालू की, जिसको यहाँ पर रतालू बोलते हैं, जो पंजाब का एरिया है ऊपर जो ऊना का साइड का है वहाँ पर इसको गंडियाली बोलते हैं। जानते हैं रतालू का आज का क्या कुछ बाजार चला इन भाई साहब के पास। और ये आती है फ्रांस बीन, लोकल वाली देसी फ्रांस बीन रतालू, और इनके पास आती है पत्ता गोभी आई जो सी पत्ता गोभी, और इनके पास आती है दोस्तों ये सेम फली। जानते हैं इसका आज का क्या कुछ बाजार चला सेम फली का। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का रतालू का क्या बाजार चल रहा जी? रतालू 13-14 बिक रहा भाई साहब। 13-14 रुपए जी। और अपने सेम फली कहाँ वाली जी है? सेम ही उत्तर प्रदेश की है, अपने वहाँ ज्यादातर अमरोहा का ही माल आता है। अच्छा जी। हाँ। ये क्या रेट चल रहा जी इसका? इसका सेम का 35-36 35-36 रुपए किलो जी। और अपना वो फ्रांस बीन जी? फ्रांस बीन आज 38 के आसपास बिकी है। अच्छा जी। और ये पत्ता को 38 रुपए किलो फ्रांस बीन जी? लोकली आ रही है अभी? लोकली आ रही है। अच्छा जी। और ये पत्ता को भी भाई साहब जी? पत्ता को भी 10-9। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद दोस्त भाई, दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ये 241 आजादपुर मंडी है, 9718-641-388। अच्छा धन्यवाद दोस्त। ते हैं हरी तिक्खी मिर्ची की, जानते हैं हरी तिक्खी मिर्ची का आज का क्या कुछ बाजार चला मंडी में। हरी तिक्खी मिर्ची की कितनी गाड़ी है भाई साहब, जो स्पेशल हरी तिक्खी मिर्ची बेचने वाले हैं, इनके पास भी मिर्ची आती है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी, आज कितनी गाड़ियाँ जी मंडी में जी? 20 गाड़ी होगी। अच्छा जी, 20 से 25। कहाँ कहाँ की है जी? है पचकूड़ा है, भुवनेश्वर है, और सिलीगुड़ी है, नागपुर है। अच्छा जी, नागपुर वाली का क्या बाजार चल रहा है? नागपुर वाली 80 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक। 60 रुपए से 80 रुपए किलो जी नागपुर जी।, जी। और पचकूड़ा वाली जी? पचकूड़ा 60 रुपए किलो। अच्छा जी, ये 60 ही चल रहा जी? हाँ ये 60 ही चल रहा। बाकी भुवनेश्वर 85 से लेके 70 रुपए किलो तक। ये भुवनेश्वर की गाड़ी है? ये भुवनेश्वर गाड़ी है। अच्छा, 60 रुपए से लेकर 85। अच्छा, भुवनेश्वर 60 से 85। अच्छा जी, और सिलीगुड़ी जी? सिलीगुड़ी 80 रुपए किलो से लेके 70 रुपए किलो तक। अच्छा जी, वो 70 से 80 रुपए जी। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद भाई साहब जी। और नींबू का बोली शुरू होती है आपकी दुकान पे? नींबू की बोली होगी करीब 8-9 बजे से चालू। अच्छा, 8 बजे शुरुआत हो जाती है। ये नींबू की गाड़ियाँ? ये नींबू गाड़ियाँ जी। आपका बोली में ही बिकता है नींबू? सब बोली में ही बिकता है, पूरी मंडी में बोली में ही बिकता है। अच्छा, तो आज का तो रेट पता नहीं जी, कल का क्या रेट रहा जी वैसे? कल का वही 80-90 रुपए किलो पड़ा था नींबू। ये कहाँ वाली आती है जी गाड़ी आपके पास? ये आ रही है वहाँ का मद्रास। अच्छा, मद्रास की गाड़ी है। हाँ जी, वही अन्ना गाड़ी है जी, अन्ना वाली। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टेक्ट? 250। हाँ जी। और मोबाइल नंबर जी? 99-99-051-128। अच्छा, 99-99-051-128। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी। बात करते हैं भाई साहब के पास, ये घिया की पन्नी आती है, और ये भिंडी आई इनके पास आज का। जानते हैं भिंडी का क्या रेट चला जी? भिंडी का क्या रेट चला जी? भिंडी 60 से 65 रुपए। 60 रुपए से 65 रुपए ये वाली जी। अच्छा जी, और घिया जी है? 450-500 की पन्नी। और वजन कितना है इसमें? 30-32 किलो। और अपने पास तोरियाँ आती थी, वो नहीं आ रही आजकल? बिकली, क्या रेट चला तोरी का? तोरी बिक रही है 40-42। 40-42 रुपए किलो जी। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद भाई साहब। मोबाइल नंबर बोल दो जी। 70-11-74-10-32। अच्छा जी, ईमानदारी से बताना। दोस्तों जानते हैं भाई साहब के पास ये चुकंदर आता है, कहाँ वाला चुकंदर है जान लेंगे इनकी क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, ये चुकंदर का क्या रेट चल रहा जी? चुकंदर इसमें 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये कहाँ वाला है जी? ये मथुरा का है। मथुरा वाला जी 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो जी।
और जो पहले वो दूसरा आता था एक इंदौर वाला इस समय बंद है, अभी आएगा दो तीन महीने बाद। अच्छा, ये फ्रेश माल है कि ये स्टोर वाला होता है? नहीं, ये फ्रेश माल होता है। और जो इंदौर का स्टोर होता है ये खेत का ताजा माल है, फ्रेश है। अच्छा, और स्टोर वाला इंदौर वाला होता है वो? हाँ, वो इंदौर वाला होता है। यहाँ की भी आएगा स्टोर, लेकिन अभी दो महीने बाद आएगा तीन। अच्छा, अभी फ्रेश चलता रहेगा जी? ये मथुरा वाला चल रहा जी? ये मथुरा वाला। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। दोस्तों बात करते हैं पीले वाली गज्जर की। दोस्तों पीले वाली गज्जर का ऐसा है कि इसका रेट है 18 रुपये किलो, 20 रुपये किलो जो पीले वाली गज्जर है, जिसका जहां दाम लग जाए बेच लेते हैं 18-20 रुपये किलो। दोस्तों बात करते हैं भाई साहब के पास ये भिंडी है। देखो ये होता है भिंडी का रेट है तेज, और इनकी गाड़ी में भिंडी खराब हो गई, और वैसे तो भिंडी का देखो रेट है, और ये सारी की सारी गाड़ी गर्मी खा गई, देखो ये सारी सड़ गई, और अब जो है लोकल जो है उक्का बोली हो रही इसकी, ऐसे लुक्का उक्का बोली हो रही, यानी 1100, 1200, 800 का डब्बा जैसे जहां बिक जाए। ये तोल के नहीं है, जो ऊपर के डब्बे थे वो तो ठीक निकले, नीचे वाले ख़राब हो जानते हैं। इनके पास और क्या क्या माल आया, क्या क्या रेट चला इन सब्जियों का। नमस्कार जी। सर जी ये माल खराब क्यों होगा जी? गाड़ी में नीचे लोहे का फर्श है, गर्मी खा गया उसकी वजह से। अच्छा जी, नीचे से हवा पास हुई नहीं इसलिए भिंडी सड़ गई सभी। अच्छा जी जी, फिर तो काफी नुकसान जाएगा व्यापारी का। बहुत नुकसान है, 500 का 400 का जो डब्बा 2000 का 2200 का है वो 500 का 400 का 300 का 800। हाँ जी, ऐसा ही बिक रहा, जैसा माल है जी, जैसा माल ऐसे। और जो वैसे आज का बढ़िया भिंडी का क्या रेट है जी? 70 से 72 रुपए बढ़िया भिंडी का, जो बढ़िया भिंडी है 70-72 का। अच्छा जी, ये क्या नंबर है जी? और ये तो 3.5 नंबर है, ये 2 नंबर कहलाती है। अच्छा जी, इसका क्या रेट है? 40-42 रुपए। अच्छा जी, और ये जो टेढ़ी भिंडी जी है वो बड़ी वाली 30-32 रुपए किलो, 25-26 से 28 तक। अच्छा, यानी कली भिंडी का रेट ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो माल खराब हो जाता है अभी, ये कली भिंडी जी है सारी? अब ये तो ये है खराब हो गया, क्या करें इसका, फिर व्यापारी का काफी नुकसान जाएगा। नुकसान बहुत है इसमें, आज क्या कुछ भी। ये व्यापारी अनाड़ी था क्या जी? उसने लोहे वाली गाड़ी में माल भरा दिए, लापरवाही, दिमाग देते नहीं है, गाड़ी आगे लोड कर दी है, सोचते नहीं है कोई कौन सी गाड़ी लोड करे कौन सी ना करे। अच्छा जी, अगर वो ध्यान करते है तो लकड़ी के नीचे का फर्श इसका होता, जैसे इनकी गाड़ियों में लकड़ी का फर्श है और नीचे से हवा पास होनी चाहिए, ऐसा होता तो खराब नहीं होता माल। अच्छा जी, हवा पास होती रहती। हाँ जी, और भिंडी ठंडी, वो गैस बन गई जिसमें सारी भिंडी। अच्छा जी, अच्छा, ये तो एक भिंडी होती है छोटी वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी खा जाती है। अच्छा जी, और आज का कुंदरू का क्या रेट चला जी? परमल, परमल, परमल 35-36 रुपए। अच्छा जी, और सेम फली नहीं आ रही अपने पास? वो तो खत्म हो गया काम हो गया। अच्छा जी, वो लाइन तो खत्म हो गया। और क्या माल चल रहा है जी आजकल? तो ये चलेगा अब तो। अच्छा जी, अच्छा, कुंदरू परमल ये चलेगा, भिंडी भी हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर फिर लोकल चल जाएगी जी। लोकल सब सो तो लोकल ही आ जाएंगे, खीरा लोकल आ गया। अच्छा जी, अच्छा, लोकल आ गया। अच्छा जी, ये देसी खीरा आया, देसी खीरा कलकत्ते का, ये बिका 40 रुपए किलो। ये कलकत्ते वाला देसी खीरा ये है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देसी खीरे की डिमांड ज्यादा होती है जी? अब इतनी न रही है, पहले बहुत आता था, अब तो इतना आता नहीं है। हाँ जी, तो हाइब्रिड चलता है, लोगों को पता भी नहीं है देसी क्या चीज़ है, हाइब्रिड क्या चीज़ है, इसको पता वो छोड़ता नहीं है। जैसे खड़े भाई साहब, इनको पता है किसी भाव को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, इनकी दुकानदारी में देसी चलता है। ये जो समझ लो 40 रुपए लेंगे, खर्चा भी इसके ऊपर और बिकेगा भी, यहाँ से किराया भाड़ा भी देंगे वहाँ तक ले जाएंगे। और बाजार में मान लो जो इसको 60 रुपए बेचेंगे, दूसरे को 40 रुपए, ग्राहक तो जो 40 वाले को ले जाएंगे, वो देखने ही के नहीं की देसी क्या खाना क्या नहीं जी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। इसमें आपका नंबर कौन सा वाला है जी? है मेरा नाम ऊपर से नीचे का 2 नंबर जी, है 98-113 वाला। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने। हेलो दोस्तों, ये तो दोनों पड़ोसी ऐसे हो लिए, उसकी भिंडी की गाड़ी सड़ गई और इनकी जो है करेले की गाड़ी सड़ गई। देखो ये होता है व्यापारियों के साथ, क्योंकि सौदे हैं महंगे, ये इनमें जो है जैसे अब ये पीला पड़ गया और ये थोड़ा इसमें से छांट कर कर रहे, तो ये सारे का सारा फेंकने का है। जिसकी चूँच पर थोड़ा सा भी पीला निशान आ गया समझ लो वो फेंकने के, अंदर से सारा का सारा खराब हो जाएगा। देखो इस पर बिल्कुल हल्का सा निशान है, तोड़िए इसको, वो देखो लाल बीज हो गए इसके अंदर से, तो ऐसे हो जाता है। जानते हैं भाई साहब से इसका क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी, ये क्या बात होगी जी इसमें? सर ये पूरा पक गया है माल। अच्छा जी, कहाँ वाला है जी? ये गुजरात वाला सर, व्यापारी का तो बड़ा नुकसान हो गया। ये तो आपके पड़ोस में भी उसका भी हो गया, भिंडी उसकी सारी सड़ गई जी गाड़ी की। हाँ जी सर। अच्छा जी, तो ये बढ़िया वाले का क्या रेट है जी? नंबर एक का 30-32-33 रुपए बिकेगा बस, ये फेंकने का जी? और हाँ जी, ये फेंकाएगा। अच्छा जी, ये तो बहुत महंगा नुकसान पड़ेगा जी उसको। हाँ तो काफी सर, बड़ा नुकसान। अच्छा जी, और क्या क्या माल आया जी आज? शकरकंदी आया सर, अभी तुलेगा, भाव देखे कल खुलेगा, क्या भाव खुलेगा। अच्छा जी, शकरकंदी का बाजार खुला नहीं जी अभी? कुछ कोई मोटा सा अंदाजा जी?
अभी कोई अंदाजा नहीं। कल का क्या रहा था जी? कल तो कुछ नहीं, आज देखिए 20-22 रुपए लगेगा। अच्छा जी, अच्छा। और जिमीकंद का जी आज का? जिमीकंद सर अपने पास तो नहीं आ रहा है, दूसरे के पास आ रहा है, मासाखोर बेच रहे हैं ये 25-26 रुपए। 25-26 रुपए जी, हाँ जी। अच्छा जी, इन दिनों में कम बिकता है जी ये? हाँ जी सर, इन दिनों बस। आजकल करेला ही आ रहा है और सब्जी दूसरी आ रही थी, बैंगन आ रहा था, बैंगन बंद हो गया है। हाँ जी, अभी हफ्ता 10 दिन चलेगा, ये तो गर्मी से खराब होने लग गई। हाँ जी सर, इसके बाद अरवी। अच्छा जी, आप तो दोनों पड़ोसी ऐसे हो लिए, उसकी भिंडी आपका करेला। हाँ चलो कोई बात नहीं जी, दोबारा फिर बढ़ेंगे सर जी। दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर? दुकान का नाम सतपाल मदन लाल, D400Y, नई सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर 99-71-16-52-80, 98-112-82-650। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो बात करते हैं भाई साहब के पास जी, इनके पास ये बंगाली सब्जी आती है आजकल, तो इनके पास ये कच्ची हल्दी आ रही जो बिना धुली होती है, पर है ये बड़ी टॉप क्लास की। बिना धुली ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, क्योंकि धुले के बाद इसमें पानी लग जाता है, ये कम चलती है। जानते हैं इसका कच्ची हल्दी का आज का क्या कुछ बाजार चला? नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का क्या कुछ बाजार चला जिसका? जी हल्दी का बाजार चल रहा है इसमें 14 रुपये चल रही है इसका। 14 रुपये किलो सिर्फ? और जो धुली होती है जी वो 15-16 रुपये चल रही है उसका। 1-2 रुपये धुलने का खर्चा लग जाता है। हाँ, पर ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती है ना ये? हाँ ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती है। अच्छा जी, धुली वाली ज्यादा नहीं चली। और वो बंगाली बैंगन नहीं आता? बैंगन आया था, बिक गया है। वो क्या रेट चला दोस्त? बैंगन इसमें 20 रुपये चला था, 20 रुपये किलो बंगाली। और वो जो दूसरी आइटमी होती है बंगाली सब्जियों में नीरी सारी, वो नहीं आ रही आजकल? लगभग आएगी, 15 दिन बाद आएगी। अच्छा जी, अभी फसल नहीं तैयार हो पाई है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी, वो दुकान 62-83-48-19-05। और दुकान का एड्रेस? दुकान का एड्रेस D416। एक बार मोबाइल नंबर धीरे बोल दो, 62-83-48-19-05। अच्छा, धन्यवाद दोस्त जानकर। बात करते हैं टमाटर की, जानते हैं टमाटर का आज का क्या कुछ बाजार चला है। भाई साहब के पास ये टमाटर आया गुजरात वाला, नंबर वन गुजरात का, इम सोने की है, 2 गाड़ियां हैं। जानते हैं आज का क्या कुछ इनकी दुकान पे रेट खुला। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज का कितनी गाड़ियां जी मंडी में जी? आज जी गाड़ियां 35-36 गाड़ियां हैं, ये 4-5 गाड़ियां बंगलौर की हैं। अच्छा जी, और गुजरात का भी है, भोपाल का भी है। अच्छा जी, सारे माल आ लिए जी आप तो मंडी में? माल आ लिए, और टमाटर आज मद्दा है, कल से थोड़ा सा मद्दा है जी। मद्दा ही है, हाईब्रिड है, 320 से लेकर 400 तक। ये 400 तक गुजरात? ये इमसोना है। हाँ जी, दोनों आज सेम ही बिक रहा है, हाईब्रिड भी इमसोना भी। हाँ, 320 से लेकर 400 के रेंज में बिक रहा टमाटर आज। ये हिमसोना भी हाईब्रिड भी गुजरात वाले जी? गुजरात का भी कहीं का भी हो। अच्छा जी, भोपाल का भी टमाटर इसी रेंज में बिक रहा है, 420-430 का बिक रहा है। अच्छा जी, वो हिमसोना गोल है? गोल है, देसी थोड़ा करारा हो, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, बंगलौर का भी टमाटर, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा, इधर उधर की पलटी कर रहे हैं। अच्छा जी, टमाटर बिक रहा 300 के रेंज में। अच्छा जी, जी सर। चलो, बंगलौर वाले ने यानी दिल्ली का काम चला दिया, मंदा कर दिया, मंदा कर दिया, बंगलौर के चक्कर में मद्दा हो गया है। अच्छा जी, हाँ, थोड़ा कासगंज का भी टमाटर आ रहा है। अच्छा जी, उसका क्या बाजार चल रहा है जी? वो भी यही है, 270-280। कासगंज अपना यूपी वाला जी? अच्छा, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी, 712-61-8-11। अच्छा जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों जान लेते हैं हिमाचल वेजिटेबल कंपनी पे भी आज के क्या कुछ बाजार चला है। इनके पास ये एक तो गोल्ड टमाटर है और एक ये हाइब्रिड लंबा टमाटर। जानते हैं लंबे वाले हाइब्रिड टमाटर का क्या कुछ बाजार चला जो स्पेशल बेचने वाले। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी कहाँ वाले माल आ रहे जी हैं? भाई साहब जी ये अपने पास तो भोपाल आ रहा है ये। अच्छा, ये भोपाल है जी ये? हाँ जी, हाँ जी भोपाल। अच्छा है जी, सारी गाड़ी जी? हाँ जी, हाँ जी पूरी गाड़ी। दोनों मेल है जी इसमें? ये इसमें देसी भी है जी और हाइब्रिड भी है। इसका देसी का क्या है जी गोल्ड वाले का? ये देसी जी 350-350 के बीच में, ये देसी वाला जी? जी जी। अच्छा जी, और इसमें हाइब्रिड का जी? हाइब्रिड भी 300-350 ही है, 320-330 का है। अच्छा जी, और जो बढ़िया वाला हाइब्रिड है? बढ़िया वाला 400 रुपए बिरांग जी। अच्छा, ये कहाँ वाला जी? गुजरात का है जी। अच्छा जी, उसका 400 का है जी बाजार? अच्छा जी, भोपाल का 300-320 चलता है। और ये तो इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नीचे छोटा है। हाँ जी, हाँ, यानी गुजरात का नंबर वन है जी। हाँ जी, और कौन सा इलाका रहा जी अब नया मंडी में जी? मंडी में बाकी कासगंज है जी, यूपी सीतापुरी है, वो तो चूंच वाला होता है थोड़ा। चूंच वाला, हाँ जी। उसका क्या बाजार चल रहा जी? उसका भी सेम पोजीशन है जी, 300 के आसपास ही बिक रहा है सारा। अच्छा जी, जी सर। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये है हिमाचल वेजिटेबल कंपनी और इनके मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है सामने। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।